भाई का सवाल पूछ रही है, जो कुर्बानी एक खुद जो पर्सनल करते हैं सेपरेट, और एक जो हिस्से वाली करते हैं यानी कंट्रीब्यूशन में करते हैं, तो क्या सवाब बराबर मिलता है? बिल्कुल सवाब उसके अंदर आपको बराबर मिलेगा। अब हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा, कि कुर्बानी उसमें हिस्से बताए गए हैं, वो भी शरीय काम अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि उसमें 7 हिस्से हैं, तो वो बड़ा जानवर उसमें 7 हिस्से हैं, तो इतना ही सवाब मिलता है जितना एक छोटा जानवर आप अकेले करते हैं, उतना ही उसके अंदर सवाब मिलता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कभी कभार ये सवाब उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बड़ा जानवर होता है तो उसके अंदर गोश्त ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा लोगों तक तकसीम किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों तक बांटा जा सकता है, गरीबों तक पहुँचाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आप एक सिंगल जानवर जो कर रहे हैं और आपने छोटा लिया उसको, और आपका परिवार खुद का इतना बड़ा हो कि भाई आपने जो है उसका उसमें मिला 15, 17, 18 किलो, 20 किलो निकल गया, और आपने जो आपके रिश्तेदार को बांट दिया, 5 किलो आपने खुद रख लिया और बाकी आपने जो है कि 2 किलो वहाँ भेज दिया, 2 किलो इस भाई के यहाँ भेज दिया, बहन के वहाँ भेज दिया, पता चला घर में ही ख़त्म हो गया, तब उसके अंदर क्या होता है, बड़ा जानवर ज़्यादा लोगों तक तकसीम किया जा सकता है। तो जहाँ ऐसा मसला हो कि जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो, तो ये मैंने कई बार कहा कि जहाँ गुर्बत ज़्यादा हो तो आप वहाँ हिस्सा लें, हिस्सा उस ले जाकर आप उसमें बेच सकते हैं, तो आप और ही अगर आपका ताकत है तो आप हिस्सा भी ले लें और अपना जानवर भी जिबा कर लें, दोनों काम उसमें कर सकते हैं, तो आपको दोनों कबूल हो जाएंगे उसके। लेकिन ये कि ये वो वक्त हालात और माशरे और माहौल के हिसाब से इसके अंदर बदल सकता है, लेकिन अगर कोई हिस्सा भी लेता है तो उसका इतना ही सवाब है जितना जो है एक सिंगल जानवर को कुर्बान करने का मिलता है।